रामपुर का खूंटा टोला चेक पोस्ट वसूली का अड्डा बन गया है। इस चेक पोस्ट पर प्रत्येक गाड़ी से 145 रुपए की जगह 3000 रुपए की वसूली की जाती है। इसके अलावा छोटी गाड़ियों से 1000 रुपए वसूले जाते हैं और ये पूरा वसूली अभियान जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर चलाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला अनूपपुर जिले के खूंटा टोला चेक पोस्ट का है, जहाँ पर चेक पोस्ट द्वारा वाहनों से अधिक राशि वसूली जा रही है और मीडिया की टीम ने जब खूंटा टोला चेक पोस्ट पर जायजा लिया तो वहां जाकर सारी सच्चाई सामने आई। यहां पर प्रत्येक गाड़ियों का एक येलो कार्ड बनाया गया है, जिसका भुगतान 1000 रुपये प्रति माह के नाम से वैध वसूली के रूप में चेक पोस्ट में जमा किया जाता है। साथ ही 145 रुपये टैक्स के नाम पर वसूले जाते हैं। इससे गाड़ियों से ओवरलोड के नाम पर 3000 से 5000 रुपये तक की वसूली की जाती है, जिसका वीडियो भी मीडिया की टीम ने अपने कैमरों में कैद किया है। और इस प्रकार से चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का गोरख धंधा चल रहा है। टोल प्लाजा के प्राइवेट कर्मी हमेशा गुंडागर्दी पर उतारू रहते हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियों से अवैध रूप से वसूली करते हैं। ऐसे सवाल है कि आखिर सरकारी तंत्र के आला अधिकारी मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे हैं? वही जिला प्रशासन के आला अधिकारी अवैध वसूली में हिस्सेदारी तो नहीं बांटते, एक बड़ा सवाल है। आपके संज्ञान में आपने मुझे अभी अवगत कराया है, मैं जांच करा लूँगा। मेरे ऐसे संज्ञान में तो अभी तक है नहीं, और कभी कोई ऐसी बात है तो मैं समझा के जांच कर लूँगा। नहीं, ऐसा तो कोई टोकन कार्ड शासन के निर्देश में है ही नहीं। आप बता रहे तो मैंने अभी जैसा बताया है क्या, मैं खुद जा के जाँच करूँगा। खूंटा टोला चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही गाड़ियों से आपको बता दें कि 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। और जब ये तस्वीरें मीडिया ने अपने कैमरे में कैद की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार से हैं, जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही है? देखिए क्या है कि ये खूंटा टोला जो बैरियर है एमपीसीजी बॉर्डर का जी, चेक पोस्ट बनाया गया है, वहां पर कई दिनों से अवैध वसूली जो है सुनने को मिल रही थी जी। जब मीडिया टीम ने वहां जायजा लिया तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जी। वहां पर हमने देखा कि गाड़ियां एक साइड से आ रही थी, फिर घुमा के जो है वो नाप तौल की जा रही थी कि वजन कितनी है गाड़ी की जी। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा तो बोले सही है 145 रुपए कटा। उसके बाद जब देखना चाहे तो बोले आप डिजिटल पे देखिए, डिजिटल मशीन बंद थी। उसके बाद बोले कि हमने बोला अधिकारी कौन है, बोले अधिकारी नहीं है कोई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम देखे एक गाड़ी खड़ी है संदिग्ध तरीके से जी। उनसे जानकारी लेनी चाहिए क्या मामला है, तो उन्होंने बताया भैया हमारी गाड़ी खड़ा कर लिया गया है, हमारी पूरी कागजों गाड़ी की और फाइल पूरी रख ली गई है। क्यों रख ली गई है, बोले हम लोग आते जाते थे 1000 का जो है हमारा फिक्स था, हम कभी भी आ जा सकते थे। उसके बाद बोले ऐसा क्यों है आपकी फाइल रख ली, तो बोले कि एक पीला कार्ड जो है जारी किया गया था जी। अब मैडम बोल रही है कि 3000 चाहिए, 3000 अगर नहीं दोगे तो रास्ता गाड़ी कर देंगे जी। अब इतना ही देख के मैडम आ गई कि ये मतलब पूछताछ कर रहे हैं जी। यहाँ तक कि मैडम ने मीडिया से मतलब नोकझोंक भी करनी चालू कर दिया। अनुप से अगर बात करें इस मामले के सामने के आने के बाद, जब मीडिया में ये तस्वीरें आई हैं और टेलीविजन पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जो गाड़ियां हैं उनसे अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, ओमकार सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? क्या इस तरह की अवैध वसूली को लेकर अधिकारी कोई कार्रवाई करने वाले हैं या करेंगे आने वाले वक्त में? हमने क्या है कि जो चिकवा जी हैं यहां के प्रभारी अनूपपुर के आरटीओ के, हमने उनसे बात की कि सर इस तरीके से जो आपकी आरक्षक है रीनू सिंह वो अवैध वसूली कर रही है, एक प्राइवेट कर्मचारी रखी हुई है आईएलएस कंपनी की, तो उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज है, ऐसा कुलवील नहीं है, अगर ऐसा होता है तो संवैधानिक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी उनके खिलाफ जी। ओमकार सिंह जी, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी कोई अपडेट होगा तो आपसे जानकारी हम जरूर लेंगे। धन्यवाद आपका। लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं, जब ड्राइवरों से अवैध रूप से वसूली करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कनकपुर खूंटा टोला चेक पोस्ट का ये पूरा मामला है, जहां चेक पोस्ट पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है।